तो दोस्तों आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ जो कि है हरिद्वार टू किशनगंज के लिए। कौन सी गाड़ी पकड़ना है डायरेक्ट और गाड़ी नंबर क्या है, कितने बजे आपको हरिद्वार में मिलेगा और कितने बजे आपको किशनगंज छोड़ेगा, तो सारा कुछ कंप्लीट इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए गाइस बात करते हैं हरिद्वार टू किशनगंज के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से सबसे पहले मैं आप लोगों का जो डाउट है मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि हरिद्वार टू किशनगंज के लिए डायरेक्ट गाड़ी कोई भी नहीं है, आपको गाड़ी चेंज करना ही पड़ेगा। तो गाड़ी कौन सा पकड़ने से आपको मुरादाबाद जो मेल है कौन सी गाड़ी टाइम पे मिल जाएगा, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हरिद्वार टू मुरादाबाद के लिए। तो गाड़ी नंबर 14120 जो कि काठगोदाम एक्सप्रेस, ये आपको 12:59 रात को, यानी 12:59 यानी 1 बजे रात को आपको मिलेगा हरिद्वार में, और 4:07 सुबह आपको पहुंचाएगा मुरादाबाद। तो गाड़ी नंबर 14120 पकड़ना है काठगोदाम। इस गाड़ी में बैठना है गाइस संडे को रात में बैठना है 1 बजे, और 4 बजे आपको मुरादाबाद छोड़ेगा। अब मुरादाबाद से कौन सा गाड़ी पकड़ना है जो कि 7 बजे आपको छोड़ेगा, तो यानी 5:30 तक आपको दूसरे गाड़ी में बैठना है। तो चलिए अब बात करते हैं मुरादाबाद टू किशनगंज के लिए। तो गाड़ी नंबर है 15904, ये आपको 5:33 पे मुरादाबाद पे मिलेगा जो कि सोमवार को, संडे को रात के 1 बजे। जैसे ही आप काठगोदाम एक्सप्रेस हरिद्वार में बैठेंगे तो आपको 4:07 पे उतार देगा मुरादाबाद। अब मुरादाबाद में आपको बैठना है 5:33 सुबह, और 7:10 आपको दूसरे दिन किशनगंज रेलवे स्टेशन छोड़ देगा। और इस गाड़ी का नाम है डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, और यह गाड़ी भी आपको हफ्ते में 2 दिन मिलेगा जो कि सोमवार और जुमेरात के दिन। आप उसी हिसाब से काठगोदाम जो है वो डेली का है हरिद्वार से, तो हरिद्वार में आपको, तो गाइस डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो मुरादाबाद से किशनगंज जाने के लिए आप पकड़ेंगे, तो हरिद्वार वालों से रिक्वेस्ट हैं कि हरिद्वार में आपको काठगोदाम गाड़ी पकड़ना है संडे के रात को 1 बजे या फिर बुधवार के रात के 1 बजे, तब जाके आप डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस आप पकड़ पाएंगे 5:33 मुरादाबाद स्टेशन में, और 7:10 दूसरे दिन पहुंचाएगा किशनगंज रेलवे स्टेशन में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल में पहली बार है तैयार सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना ताकि आगे भी इसी तरह का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो चलेगा इस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंदू।